अलमकम एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल क्या हालचाल होंगी दस से होंगे बहुत खुश होंगे आज हम मज़ेदार से और सिंपल सी चिकन मैकरोनी बनाएंगे विद माई मॉम स्टाइल बहुत इजी रेसिपी है और इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपने याद रखनी है जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे चलेस गो एंड चेक द इंग्रीडियन ओके okay, जी अब चिकन जो है यहाँ पे मैं तकरीबन ले रही हूँ 500 ग्राम्स और इसके अंदर हम हाफ कप सिरका ऐड कर देंगे सिरका जो है वो चिकन की स्मेल टोटली ख़त्म कर देगा और साथ इसमें जाएगी टू टेबल स्पून के जितना नमक जाएगा ओके okay, और, और इसको आपने मैरिनेट होने के लिए रख देना है हाफ आवर के लिए और इसके ये मैरिनेट हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए और साथ साथ हम इसकी जो ग्रेवी है वो प्रिपेयर करेंगे ठीक है हाफ आवर आपने इसको देना है ताकि ये इसकी स्मेल जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे मैक्रोनीज जो है उनको बॉईल कर लेते हैं मैं यहाँ पे थ्री डिफरेंट टाइप्स की मैक्रोनी ले रही हूँ एक जाएगी शेल और साथ मैं इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के एल्बो मैक्रोनी ले रही हूँ ये आप चेक कर सकते हैं ओके अब इसको बॉयल करते हैं और हम ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं ठीक है जी ओके okay, यहाँ पे मैंने चार चादरमिया साइज़ के प्याज लिए हैं उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिए है यहाँ पे दो बड़े साइज़ के टमाटर जाएंगे और एक जो है इसके अंदर जो लहसुन है वो हम ऐड कर देंगे चले सबसे पहले मैं लहसुन को अच्छी तरह से पीस लेती हूँ और हम प्याज़ को जो है वो फ्राई करेंगे उसके बाद ये जो लहसुन का पेस्ट है वो बीच में ऐड कर देंगे ठीक है जी ये लहसुन मैंने डाल लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी जब तक इसकी पेस्ट नहीं बन जाती ओके okay, पीसने के बाद हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना चलें जी यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन लिया जिसके अंदर हम फोर टेबल स्पून ऑयल डालेंगे अब हम यहाँ पे डालते हैं प्याज और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसको जब तक वो गुलाबी हो जाएंगे <laughs> गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे आपने हल्का हल्का पानी भी बीच में ऐड करते जाना ताकि जो हमने लहसुन डाला है वो नीचे चिपक ना जाए जब तक तो ये फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से तब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे चले यहाँ पे हमने ले लिया है टमाटर तो अभी हम इसको करेंगे फ्राई अच्छी तरह से जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए जब तक ये गलेंगे नहीं तब तक, तक इसका फ्लेवर नहीं आएगा टमाटरों का ओके okay, जब टमाटर सारे गल जाएंगे तो हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे स्पाइसेस में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी आपको बताऊँगी जब तक ये टमाटर गलते हैं टमाटर आप चेक कर सकते हैं कि वो गलना स्टार्ट हो चुके हैं अब सब सबसे पहले इसके अंदर हम वन टी स्पून रेड चिलीज ऐड कर देंगे और वन टी स्पून इसके अंदर डालेंगे नमक हाफ टी स्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर और हम गरम मसाला जो है वो पीस के ऐड नहीं करेंगे साबुत ही बीच में डाल देंगे जिसमें जाएगा एक इलायची जाएगी दालचीनी का डालेंगे हम इसके अंदर पाँच छः काली मिर्चें और दो तीन लौंगे ऐड कर देंगे बीच में और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं मिक्स करने के बाद मसाले को हम भून लेंगे भूनने के बाद ही आपने इसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था वो सारा ऐड कर देंगे बट चिकन को आपने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि बीच में जो सिरका और नमक डाला था वो उसमें से रिमूव हो जाए ठीक है जी अब आप ये देख सकते हैं कि अब मैंने इसके अंदर वन टी स्पून तिक्का मसाला ऐड किया है फ्लेवर थोड़ा सा चेंज करने के लिए मसाला जो है भुन चुका था तो मैंने इसके अंदर अब चिकन ऐड कर दी है चिकन को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे इसके अंदर और बाद में इसके अंदर मैं एक कप पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख दूँगी ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए ये गया पानी और अब मैं इसको दम पर रख दूँगी तकरीबन फाइव सिक्स मिनट्स लगते हैं और चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पे टेंडर हो जाता है अब आप देख सकते हैं चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं मैं इसको अब दोबारा से इसको अच्छी तरह से भून लूँगी थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ग्रेवी जो है ज़्यादा बनाने के लिए ताकि हमने इसको मैक्रोनी में ऐड करना है तो ग्रेवी जो हमें ज़्यादा चाहिए होती है ठीक है वो पार्ट जो हमें मैं इसमें ऐड नहीं कर सकी बट आपने ग्रेवी जो है वो ज़्यादा रखनी है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए मैकरोनी रेडी हो रही थी ठीक है जी अब मैक्रोनी मैंने एक डाली है एक जगह पे और उसके अंदर जो जितनी भी ग्रेवी बनी हुई थी चिकन वो सारा ऐड करके अब इन दोनों को अपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फोर से फाइव मिनट्स तक आपने इनको आ, लो हीट पे पकाना है ताकि दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और जो मैक्रोनीज़ हैं ये भी थोड़ी सी आप कह लेंगे फ़्राई हो जाए अच्छी तरह से और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए इनके ऊपर ठीक है जी बहुत इजी रेसिपी है आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है बहुत मज़े की बनती है और कोई इसमें चिकन की स्मेल नहीं आती है ये ये ज़रूर ट्राई करनी है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी मेक्ट्रॉनिक कैसे रेडी हुई थी अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय